नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू यादव लगातार जेल से बाहर हैं। आपको पता है कि 1-1 लाख के दो मुचलकों पर उनको कोर्ट ने जमानत दे दी है। आधी सजा काटने के तौर पर उन्हें ये जमानत मिली है। लेकिन आपको पता होगा, लालू यादव पर कई अन्य मामले हैं जो कि पेंडिंग हैं, जिनमें सुनवाई होनी है। ऐसे ही एक बड़े मामले में, जिसमें DLF रिश्वत मामला है, जिसमें CBI की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसकी वजह से लालू यादव को इस मामले में साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, सुन लीजिए। चारा घोटाले में जमानत हासिल करने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को CBI ने फिर राहत दी है। DLF रिश्वत मामले में लालू यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले की जानकारी अब सामने आई है कि जबकि हकीकत यह है कि छानबीन में लालू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर CBI ने साल 2018 में ही यह फाइल बंद कर दी थी। लालू यादव पर इल्ज़ाम लगा था कि मुंबई के बांद्रा स्टेशन को अपग्रेड करने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए DLF ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के पॉश इलाके में एक संपत्ति रिश्वत के तौर पर दी थी। इस संपत्ति की कीमत उस समय करीब 5 करोड़ रुपये थी। इसके बाद यह बात सामने आई कि लालू के बच्चों तेजस्वी, चंदा और रागिनी ने वर्ष 2011 में AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के 4 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे। बाद में इस कंपनी द्वारा दिल्ली के पॉश इलाके में खरीदी गई उस आवासीय संपत्ति के यह लोग उसी शेयर को बदौलत मालिक हो गए। मतलब 4 लाख रुपए में 5 करोड़ की संपत्ति मिल गई। यह मामला CBI के सुपुर्द किया गया है। CBI ने तफ्तीश की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने के चलते 2018 में ही इस मामले को बंद कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं, लालू यादव के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। एक और बड़े मामले में उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये मामला सीधे तौर पर उनके जो विरोधी हैं, खासतौर पर सुशील कुमार मोदी, उनके लिए एक बड़ा झटका है। लगातार सुशील मोदी लालू यादव पर हमलावर थे और ये बात बार बार वो याद दिला रहे थे कि लालू यादव बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, बल्कि कई मामलों में उन पर सुनवाई होनी है और उनका फिर से जेल जाना लगभग तय नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर लालू यादव की जेल वापसी नहीं होती है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। कि सुगबुगाहट अभी शुरू भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है। भाजपा भी सारी सियासत पर नज़र बनाई हुई है और ये आसानी से अब कहा जा सकता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार को एक करने के लिए उनके पुराने सहयोगी भी लग गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर लालू यादव इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा राजनीतिक लाभ के लिए उठाते हैं या स्वास्थ्य लाभ के लिए। नज़रें हमारे लगातार इन खबरों पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। PayTM नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।